ओलंपिक संघ में महिला हॉकी में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है महिला हॉकी टीम। इसको लेकर के लोहरदगा में आज जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है, 100 लीटर दूध से उसका रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। हमारे साथ में जो रुद्राभिषेक कर रहे हैं उनका भी नाम अभिषेक है, उनकी टीम के द्वारा अभिषेक कराया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग चीयर्स कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड की दो बेटियां भी इस विश्व कप यानी कि ओलंपिक का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें वो खेल रहे हैं। हमारे साथ में अभिषेक जी है, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से वो लोग चीयर्स कर रहे हैं। अभिषेक जी आप बताइए कि किस तरह से चीयर्स किया जा रहा है और आप लोग किस तरह से चीयर्स कर रहे हैं। आज जो हमारी महिला टीम है जो टोक्यो ओलंपिक में भाग ली है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से धूल चटाया, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए कि उनका फाइनल बचा हुआ है। हम लोग महादेव जी से प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए कि वो फाइनल में विजयी बन के आए और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप क्या देखते हैं और कि सेमीफाइनल भी जीत पाएगी या फिर फाइनल में जाएगी? वो जीत पाएगी, इंडिया का शुरू से अच्छा रहा है और लग रहा है कि फाइनल इंडिया जीतेगी। जैसा कि देख रहे हैं कि फाइनल के लगभग पहुंच चुकी, सेमीफाइनल खेलना है, क्या कहेंगे इसको? फाइनल सेमीफाइनल में भी जीतेगी और हमारा यही है महादेव से प्रार्थना कि वो फाइनल में भी जीते और नाम रोशन करे। चीयर्स को लेकर के क्या कर रहे हैं आप लोग? चीयर्स लेकर अभी हम लोग 101 लीटर दूध का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 100 लीटर से जलाभिषेक भी कर रहे हैं और भाबा महादेव से ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि सेमीफाइनल जीत कर वो फाइनल में चढ़े ताकि लोहरदगा सहित झारखंड के जितने भी जिले हैं और देश का नाम रोशन हो। अमित वर्मा, कशिश न्यूज, लोहरदगा।